हेलो दोस्तों, तो आज लेके आई हूँ किन्नू के जूस की रेसिपी, जो कि बहुत ही बढ़िया बना है। बिना जूसर के बनाया है दोस्तों, झटपट आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। मौसम भी चेंज होने लगा है, अब मन करने लगता है कि कुछ पिया जाए। तो बस मैंने तो किन्नू का जूस बनाया है, जो कि बहुत ही अलग तरीके से, नए टेस्ट में। तो आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो किन्नू लिए हैं, इन्हें क्या करेंगे हम छील लेते हैं। तो बिना जूसर के भी आप किन्नू का जूस बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों बना सकते हैं। इसे जूसर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैंने दोनों किन्नुओं को छील लिया है। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि ये जितने बीज निकल जाएं उतने निकाल लीजिए। अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ये बीज के साथ ही जूस निकालेंगे। लेकिन बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा, बीज बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार लिया है, अब उसमें हम इसे डाल देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मिक्सी जार में बना रही हूँ। बहुत ही अच्छे से निकल आता है इसका जूस और बीज बिल्कुल भी नहीं टूटते। मैं जिस तरीके से बनाऊंगी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने ये किन्नू डाल दिए हैं, टुकड़े किन्नू के। और ये थोड़े से मैं 10 से 12 पुदीने के पत्ते ले रही हूँ। इसके साथ जो फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही बढ़िया लगेगा। साथ ही साथ थोड़े से हम 2 से 3 चम्मच इसमें अनारदाना डाल रही हूँ। और बस इसे हम मिक्स कर लेते हैं, यानी इसे चला लेते हैं। लेकिन चलाएंगे दोस्तों, मिक्सी को बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, बंद करेंगे और फिर चलाएंगे। लगातार नहीं चलाएंगे, नहीं तो इसके बीज टूट जाएंगे। तो इस तरह से चलाते हैं ना मिक्सी, तो इसके बीज नहीं टूटते और जूस हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जूस हमारा निकल के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे एक छलनी रख लेंगे एक बाउल के ऊपर, और उस पर हम ये सारा जूस जो भी है किन्नू का, वो हम इसमें पलट देते हैं छलनी में। और बस इसे चम्मच से हिलाते हुए हम इसे छान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बन गया ना, झटपट सा। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें जूसर की। और इसे बहुत ही सिंपल तरीका है ना, ज़्यादा कोई बर्तन होते हैं या जूसर को साफ़ करने का झंझट, बिल्कुल आसान तरीका है इस तरह से बनाने का। और ये देखिए, बीज बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं दोस्तों। और जो पुदीने के कुछ पत्ते डाले थे, उससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आया है। बस इतने में ही ये इतना टेस्टी बना है दोस्तों। तो बस है ना, बहुत ही सिंपल इसे बनाने का तरीका। और अगर आप इसे थोड़ा सा मीठा करना चाहें, तो अब इस टाइम पे आप इसमें थोड़ी सी गुड़ वाली शक्कर डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी, और अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, भुना जीरा। और बस इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और ये लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों, बहुत ही झटपट सी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर बना के देखिए। जो पुदीना है और थोड़े से मैंने इसमें अनारदाने डाले हैं, मिक्स होके बहुत ही बढ़िया किन्नू और अनारदाना से, पुदीना से जो टेस्ट बना है ना, बहुत ही बढ़िया इस जूस में मज़ा आ जाएगा आपको पी के। बस इसे एक गिलास लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं। और ये देखिए, है ना, तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा ये किन्नू का जूस। थोड़े से पुदीने के पत्ते और भुना हुआ जीरे से हम इसे गार्निश करेंगे। और इन्जॉय कीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी टेस्टी और हेल्दी वीडियो के साथ। थैंक यू।